हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। सो पिछले दो तीन क्लासों में हम लोगों ने डिस्कस किया दैट इज़ दिस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, उसका एबीसीडी पैरामीटर का जो मॉडल होता है और उस मॉडल को आप यूज़ करके सेंडिंग इन वोल्टेज, सेंडिंग इन करंट, रिसीविंग इन वोल्टेज, रिसीविंग इन करंट, सेंडिंग इन पावर फैक्टर, रिसीविंग एंड पावर फैक्टर, ये सारा चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं। अभी मैं एक भी क्वेश्चंस नहीं लिया हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आपने वो फॉर्मूला लिख लिया है शॉर्ट नोट्स में तो आप टेंशन ना लें। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दैट इज़ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, और आज पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन को कम्प्लीट करके नेक्स्ट क्लास से हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल लेने वाले हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पे, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन पे, एज वेल एज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पे, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, अगर आपको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन अच्छे से आता है तो आप इस वीडियो को स्किप सकते हैं, और अगर आपको नहीं आता है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा उसमें क्या देखा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का जो मॉडलिंग हम लोगों ने किया था उसमें डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट जो था, लंप्ड नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की जो मैं बात किया था उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड इफेक्ट को हम लोग इग्नोर कर दिए थे, नेग्लेक्ट कर दिए थे, क्योंकि वो लेस देन 200 किलोमीटर लेंथ का बात हो रहा था। ठीक है, जिसमें FL इज इक्वल टू हम लोग निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई आप लेंथ कर देंगे जो भी आएगा, आई थिंक लेस देन 10,000 किलोमीटर पर सेकेंड जो है वो आपका मीडियम का है, और लेस देन 4000 किलोमीटर पर सेकेंड है वो शॉर्ट का है। तो बेस्ड ऑन लेंथ हम लोगों ने इसमें देखा था कि डिस्ट्रीब्यूटेड इफेक्ट हमारा नेग्लेक्ट था। आज जो हम लोग दे ले रहे हैं दैट इज़ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसका जो लेंथ ऑफ द लाइन होता है दैट इज़ ग्रेटर देन 200 किलोमीटर, तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट मिलेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम उस तरह से मॉडल नहीं कर सकते कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस बनाकर, और जो एबीसीडी पैरामीटर हम लोग निकाल रहे थे उस तरह से हम लोग नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ और मेथड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये एक मैं ट्रांसमिशन लाइन लिया हूँ, इसमें क्या कर रहा हूँ, अब मैं डिस्ट्रीब्यूटेड इफेक्ट को कंसीडर करूँगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड इफेक्ट कंसीडर करने का मतलब है कि आर एल सी इन पैरेलल विथ जी भी आएगा, लेकिन उस जी को हम लोग इग्नोर करते हैं। तो आर एल सी इस टाइप का आपको दिखेगा, लेकिन ये एक्चुअल में आर एल सी ऐसा नहीं लगा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटेड इफेक्ट में जो ट्रांसमिशन लाइन का डायग्राम होगा वो पहला वाला होगा। अब इसका हमको निकालना है एबीसीडी पैरामीटर मॉडल, या सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज करंट के बीच का रिलेशन निकालना है। तो अब हमें पता नहीं है रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस हर एक लेंथ पे चेंज करेगा, तो ऐसे केस में हम कैसे निकालेंगे। तो इसका एक ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, इस ट्रांसमिशन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को हम कट करते हैं स्मॉल पीस में, एक स्मॉल पीस किसी का लेते हैं, किसी पार्ट को लेते हैं डेलेक्स लेंथ का, और उसको कट करते हैं। तो उसका हमको रेजिस्टेंस पता होगा, फिर उसका इंडक्टेंस पता होगा, और उसी हिसाब से उसका कैपेसिटेंस भी हम निकाल लेंगे। तो उसी डेल एक्स के लेंथ को हम लोग यहाँ पे शो किए हैं जेड इंटू डेल एक्स। जेड जो है वो पर यूनिट लेंथ है, ओम पर यूनिट लेंथ हम लिए हैं। डेल एक्स स्मॉल पीसेस को कट करके जेड मल्टीप्लाइड बाई डेल एक्स पूरा लेंथ कर देंगे तो वो टोटल इम्पिडेंस दे देगा। उसी तरह से कैपेसिटर का वाई मल्टीप्लाइड बाई डेल एक्स हो रहा है, मतलब ये टोटल एडमिटेंस दे देगा डेल एक्स लेंथ में कितना है। तो स्मॉल पीसेस को कट करके हम उसमें ऑपरेशन कर सकते हैं आर एल सी नेटवर्क टाइप। तो यहाँ पे देखो वी एक्स है, ये एक्स है, और ये एक्स प्लस डेल एक्स लेंथ पे है, मान लो ये एक्स डिस्टेंस पे है। यहाँ देखो x इज इक्वल टू जीरो रिसीविंग एंड वोल्टेज पे, मतलब डिस्टेंस हम यहाँ जीरो ले रहे हैं, और यहाँ x इज इक्वल टू l लिए हैं सेंडिंग एंड वोल्टेज पे। उसके बीच में कहीं x आ रहा है, उसमें हम डेल x कट करके ये ऑपरेशन किए हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एडमिटेंस में हम लेंथ को ऐड कर रहे हैं। तो जो मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था, और जो निकालने का आपको रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन केस ऑफ कैपेसिटेंस कैलकुलेशन वाले में, उसमें मैं बोला था कि एडमिटेंस में आप लेंथ को मल्टीप्लाई करना, ठीक है, आप रिएक्टेंस में मत करना, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे वाई इंटू डेल एक्स आ रहा है ना, तो इस तरह से हम कट करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग वी एस और आई एक्स दोनों निकालते हैं। तो वो पूरा एक लेंथी प्रोसेस है जिसको हम लोग फुल कोर्स में रखेंगे, आप सिर्फ आउटपुट से मतलब रखो। तो आउटपुट में जो आपका वी एक्स की वैल्यू आएगी वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, वी एक्स इज इक्वल टू वी आर प्लस आई आर इंटू जेड सी बाई टू ई टू द पावर गामा एक्स प्लस वी आर माइनस आई आर इंटू जेड सी बाई टू ई टू द पावर माइनस गामा एक्स।
तो इस टाइप का आपका एक वोल्टेज इक्वेशन आएगा, यहाँ पे हम कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ये सब सॉल्व करते हैं कुछ अजम्पशन लेकर, और उसके बाद हम लोग लिमिट लगा के चेक करते हैं, फाइनली हमारा जो वी एक्स का वैल्यू आएगा दैट इज लाइक दिस ओनली, वेयर गामा इज इक्वल टू प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट इसको बोलते हैं। इसका पूरा डेरिवेशन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, उसको मैं फुल कोर्स में रखूंगा, अभी क्रैश कोर्स में उसकी ज़रूरत नहीं है, जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ उतना अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। तो इसको हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस जे बीटा, वेयर अल्फा जो होता है वो होता है एटेन्यूएशन कॉन्स्टेंट, और बीटा जो होता है दैट इज नोन एज फेज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट नेम है। तो गामा का जो फॉर्मूला आता है दैट इज गामा इज इक्वल टू आपका जो आएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ स्मॉल जेड स्मॉल वाई। स्मॉल जेड किसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं जो हम कट किए हैं एक स्मॉल पीस में, तो जेड जो है वो जेड पर यूनिट, स्मॉल जेड जो है वो स्मॉल जेड पर यूनिट लेंथ है, तो जेड इंटू वाई दैट इज नोन एज गामा। तो देखो गामा जो होगा उसमें आर प्लस जे ओमेगा एल भी आएगा, वाई का भी होगा, वाई का भी जे ओमेगा सी आएगा, तो ओवरऑल ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, ओवरऑल ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए मैं देखो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को दो फॉर्म में हम लिख सकते हैं, अल्फा प्लस जे बीटा, वेयर अल्फा इज द एटोनेशन कॉन्स्टेंट एंड बीटा इज द फेज कॉन्स्टेंट। उसी हिसाब से एक और पैरामीटर आपको दिख रहा है नया, दैट इज जेड सी, जेड सी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस। आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस, डोंट वरी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस क्या होता है, जेड अपॉन गामा, ठीक है, जेड अपॉन गामा, गामा की वैल्यू आप अंडर रूट जेड वाई डालिए, जेड अपॉन अंडर रूट जेड वाई आपको मिल जाएगा अंडर रूट स्मॉल जेड अपॉन स्मॉल वाई, राइट। अब इसी को पूरे लेंथ तक हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैपिटल जेड टोटल इंपीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड कैपिटल वाई टोटल एडमिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप स्मॉल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ कैपिटल जेड अपॉन कैपिटल वाई। तो यहां पे हमको क्या पता चला कि कैरेक्टरिस्टिक्स इंपिडेंस जो है वो पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो टोटल इंपिडेंस पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो देखो यहां पे आपका ओम आएगा, यहां ओम इनवर्स होएगा, तो ओम इन ओम का स्क्वायर अंडर रूट लीजिए तो ओम, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स इंपिडेंस का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, ओम। ठीक है, तो ये आपका पूरा इतना चीज आपको नया दिख रहा था जिसकी वजह से मैं एक्सप्लेन किया हूं। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है, आप देखो समझने वाली बात ये है, ये आप नोट कर लो, उसके बाद फाइनली आप वी एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हो ए वी आर प्लस बी आई आर के फॉर्म में, इस इक्वेशन को देख के। इसको देखिए, यहां से वी आर को आप एक साथ लिखो तो हो जाएगा ई टू द पावर गामा एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस गामा एक्स बाई टू। उसी तरह से आई आर को लिखो, जेड सी कॉमन आ जाएगा दोनों में से, सो जेड सी को आप कॉमन ले लीजिए, ई टू द पावर गामा एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस गामा एक्स बाई टू। ठीक है, कुछ सेपरेट करना है, वी आर और आई आर को आप सेपरेट कर लो, इस टाइप का कुछ मिलेगा। इस जो होता है ई टू द पावर गामा एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस गामा एक्स बाई टू, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक गामा एक्स, गामा भी है इसलिए, इंटू वी आर प्लस जेड सी, इसको बोलते हैं साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स। तो ये आपका वी एक्स का फॉर्मूला आया। उसी हिसाब से आई एक्स का भी इसी टाइप का इक्वेशन आता है, तो मैं फाइनली लिख रहा हूँ आई एक्स इज इक्वल टू जो आपको मिलेगा दैट इज इक्वल टू वन अपॉन जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स इंटू वी आर प्लस कॉस हाइपरबोलिक गामा एक्स इंटू आई आर, यहाँ भी आई आर आएगा।
तो देखिए ओवरऑल हम एक्स डिस्टेंस पे वोल्टेज और करंट निकाल लिए, इस ट्रांसमिशन लाइन में इस एक्स डिस्टेंस पे हमारा वोल्टेज इक्वेशन क्या होगा, वो एक्स पे डिपेंड करेगा, हर जगह एक्स पे मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। अब मान लीजिए इस एक्स इज इक्वल टू एल पे हमको निकालना हो, मतलब सेंडिंग एंड वोल्टेज अगर हमको निकालना हो तो सेंडिंग एंड वोल्टेज को हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट पुट एक्स इज इक्वल टू एल। अगर हम एक्स इज इक्वल टू एल पुट कर देंगे तो हमें सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड सेंडिंग एंड करंट मिल जाएगा। तो अगर हम एक्स इज इक्वल टू एल पुट करेंगे तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज, और ये हो जाएगा सेंडिंग एंड करंट, और जहां जहां आपने एक्स लिखा है वो एल से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो आप दूसरा इक्वेशन बना के लिख सकते हो, एट एक्स इज इक्वल टू एल वी विल गेट सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड सेंडिंग एंड करंट समथिंग लाइक दिस। तो देखिए वी एस इज इक्वल टू ए वी आर प्लस बी आई आर, आई एस इज इक्वल टू सी वी आर प्लस डी आई आर। तो फाइनली आपका ए बी सी डी पैरामीटर क्या आ जाएगा, ए बी सी डी पैरामीटर इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक गामा एल जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एल वन अपॉन जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एल एंड यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक गामा एल। तो ए बराबर डी आएगा और उसी हिसाब से बी जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एल और सी वन अपॉन जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एल। तो देखो जितना हम लोग एक्यूरेसी की तरफ जाएंगे उतना ही हमारा सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा हर एक पॉइंट का, आप सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड सेंडिंग एंड करंट या हर एक पॉइंट का वोल्टेज एंड करंट इससे निकाल सकते हो। 201 कुछ पे चाहिए हमको, ठीक है 201.2 किलोमीटर पे अगर हमको चाहिए 2 किलोमीटर पे, तो एल की वैल्यू हम उतना पुट करेंगे हमको उस हिसाब से वहाँ का वोल्टेज और वहाँ का करंट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये आपका एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देगा। अभी तक हम लोग जो कर रहे थे वो उसमें हम अप्रोक्सीमेट कर रहे थे ना, अप्रोक्सीमेशन कर रहे थे कि हाँ भैया वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड इफेक्ट को हम नहीं नेगलेक्ट कर सकते हैं, फिर हम कहीं शंट ब्रांच को नेगलेक्ट कर रहे थे, कहीं पे कंसीडर हल्का कर रहे थे, तो ये सब चीज़ करने की वजह से वहाँ पे एक्यूरेट रिजल्ट नहीं था। लेकिन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जो आपको मिलेगा सेंडिंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड करेंट, ये आपका एक्यूरेट होगा। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए, ए बी सी डी मेन ए बी सी डी पैरामीटर आपका जो है वो आपको निकालने आना चाहिए। अगर सेंडिंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग आपको ए बी सी डी का वैल्यू निकालने आना चाहिए, किस तरह से गामा की वैल्यू क्या होती है, फिर एल हम किस तरह से लेते हैं, ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें मैं एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको ओमिट करता हूँ। हाँ जी, तो जो मैं कॉन्सेप्ट, आप ये ए बी सी डी मॉडल लिख लेना शॉर्ट नोट में, वो इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आप देखो इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, अब देखो इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को नहीं, इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ, सीधे आप वोल्टेज इक्वेशन को देखो। ये इक्वेशन वी एक्स इज इक्वल टू वी आर प्लस आई आर जेड सी अपॉन टू ई टू द पावर गामा एक्स एंड वी आर माइनस आई आर जेड सी अपॉन टू ई टू माइनस गामा एक्स। तो ये जो दो आपको फॉर्म मिल रहा है, एक ये इक्वेशन मिल रहा है वोल्टेज में और एक ये इक्वेशन मिल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं इंसिडेंट वेव और दूसरे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव। अब समझो इस चीज़ को कि x इज इक्वल टू जीरो यहाँ था, ठीक है, और जैसे जैसे x बढ़ेगा, देखो x जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे e टू द पावर x ये प्लस में है तो ये बढ़ेगा, ये क्वांटिटी बढ़ेगा, मतलब कि ये वाला इंक्रीज करेगा। तो जब x की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे तो ये वाला क्वांटिटी बढ़ रहा है। उसी हिसाब से ये देखो, जब x की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे तो ये वाला क्वांटिटी घट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ बढ़ता घटता कैसे है, मान लो यहाँ पे हमारा वोल्टेज है दैट इज़ 100 वोल्ट, ऐसे नहीं करते हैं, ये एक लेंथ है, यहाँ पे हमारा वोल्टेज है 100 वोल्ट मान लो इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे 99 होगा, यहाँ पे 98 होगा, यहाँ पे 97 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सप्लाई जो है इधर से है, इधर से कुछ सप्लाई हमको मिल रहा है, तभी तो यहाँ का रेजिस्टेंस ड्रॉप हो रहा है, फिर यहाँ वोल्टेज कम हो रहा है, यहाँ का रेजिस्टेंस ड्रॉप हो रहा है, यहाँ वोल्टेज कम हो रहा है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि मान लो ये एक्स इज इक्वल टू जीरो पे आपका 90 वोल्ट है और एक्स इज इक्वल टू एल है, ये एक्स इज इक्वल टू एल, मतलब कि जब हम एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारा अगर वोल्टेज बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ से कुछ ना कुछ हमको पावर डिलीवर हो रहा है, पावर डिलीवरिंग एलिमेंट यहाँ है। अब इसको वेव फॉर्म, वेव के फॉर्म में देखिए, अगर हम इधर बढ़ रहे हैं तो एक ये इक्वेशन है, उस इक्वेशन का वैल्यू बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि सेंडिंग एंड से कुछ ना कुछ वेव
आपका ट्रैवल कर रहा है। तो वेव जो ट्रैवल कर रहा है वो कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, सेंडिंग से रिसीविंग एंड तक। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो जब एक्स की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहे हो तो ये वाला टर्म बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि इसका जो आपका जो ओवरऑल आप समझो तो जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ रहा है। तो मैग्नीट्यूड अगर बढ़ेगा दैट मीन्स कि सेंडिंग एंड से ये वेव इंसिडेंट हो रहा है टुवर्ड्स रिसीविंग एंड। एक्चुअल में ये वेव जो है वो इंसिडेंट हो रहा है, दिस इज नोन एज इंसिडेंट वेव। क्यों इंसिडेंट? क्योंकि सेंडिंग एंड से भी जैसे ही वेव चलना शुरू किया, सेंडिंग एंड पे बहुत ज़्यादा पावर था इसके पास, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया तो उसके बाद इसका वेव का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होने लगा। तो हम उल्टा सोच रहे हैं, उल्टा देखो, जब हम इधर से जब बढ़ेंगे तो इधर से जब बढ़ रहे हैं एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो सेंडिंग एंड इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ रही है, दैट मीन्स कि सेंडिंग एंड पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा थी और रिसीविंग एंड पे मैग्नीट्यूड कम। तो कोई भी वेव अब अगर सेंडिंग से रिसीविंग एंड पे चलेगा तो जहाँ से चल रहा है वहां तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, तो सेंडिंग एंड पे मैग्नीट्यूड इसकी ज्यादा होगी क्योंकि x is equal to l है वहां पे, और रिसीविंग एंड पे x is equal to 0 पुट कर दो वहां पे मैग्नीट्यूड कम होगी। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपका वेव है ये सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड पे चल रहा है, दैट इज नोन एज इंसिडेंट वेव, सेंडिंग टू रिसीविंग। समझ में आया? अब उसी हिसाब से आप इसका देखिए, जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे इसका वैल्यू इसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, दैट मीन्स कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा। अगर कोई चीज़ जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ मैग्नीट्यूड उसका ज़्यादा होता है, राइट? तो वहाँ मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएगा वहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ हो रहा है, अगर x इज इक्वल टू जीरो पे आप देखो मैग्नीट्यूड इसका बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे एक साथ बढ़ाओगे इसका मैग्नीट्यूड कम होगा। इसका मतलब क्या है, ये जो वेव है वो ट्रेवल कर रहा है रिसीविंग एंड से सेंडिंग एंड तक। इसका मतलब इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव, और ये ट्रेवल करता है रिसीविंग एंड, ट्रेवल फ्रॉम रिसीविंग एंड टू सेंडिंग एंड। जैसे हम रिसीविंग एंड से सेंडिंग एंड की तरफ जाते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, दैट मीन्स कि ये रिफ्लेक्टेड वेव है। और जैसे ही हम रिसीविंग एंड से सेंडिंग एंड की तरफ जाते हैं और मैग्नीट्यूड हमारा बढ़ेगा, दैट मीन्स सेंडिंग एंड से ये वेव ट्रेवल कर रहा है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट वेव, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं जो आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए अगर हमारा लोडिंग जो है वो इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस हो जाए, अगर हमारा लोडिंग क्या हो जाए कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस के इक्वल हो जाए, मतलब कि वैन जेड एल इज इक्वल टू जेड सी हो जाए, लोड हम कहाँ लगाएंगे इस जगह पे, तो इस जगह पे अगर हम लोड लगा रहे हैं और जेड एल की वैल्यू है दैट इज जेड सी है, दैट मीन्स वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर इंटू जेड सी। तो वी आर इज इक्वल टू आई आर इंटू जेड सी हो गया, तो वी आर इज इक्वल टू आप कर दीजिए यहाँ पे आई आर इंटू जेड सी, और इसको आप मान लो वी टू और इसको मान लो वी वन, तो वी टू क्या हो जाएगा, V2 देखो V2 जीरो हो जाएगा, मतलब कि रिफ्लेक्टेड वेव जीरो हो गया। तो कोई भी वेव रिफ्लेक्ट नहीं करेगा रिसीविंग एंड से सेंडिंग एंड तक अगर हम लोडिंग करेंगे कितना कैरेक्टरिस्टिक्स इंपिडेंस के इक्वल। समझ में आ रहा है? तो ये चीज इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं आपको डिस्कस करके इसका बता दिया। तो फाइनली आपको VS इज इक्वल टू ABCD मॉडल में आपको हर चीज़ मिल गया, और उसके बाद सब चीज़ हम लोग देख लिए किस तरह से आपका सेंडिंग एंड वेव और इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव किस तरह से ट्रैवल कर रहा है, कौन सा वैल्यू किसका है। अब इसी में आपसे सवाल क्या आ जाएगा कि आपको वो क्या कहते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन दे देंगे और उसके बाद डिस्टेंस दे देंगे और फिर पूछेंगे सेंडिंग एंड वोल्टेज बताओ, सेंडिंग एंड करंट बताओ, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इंपिडेंस बताओ, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। अब इसी में मैं इसको ओमेट करता हूँ और ओमेट करके आपको बताता हूँ कि किस तरह से लॉसलेस लाइन के लिए ये पूरा सिस्टम चलेगा। अगर हम लाइन को लॉसलेस मान ले, अभी हम इम्पिडेंस मान रहे हैं, तो इसलिए इम्पिडेंस में हमारा R भी आ रहा है L भी आ रहा है, लेकिन अगर लॉसलेस लाइन होगा लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे वो भी हमें पता होना चाहिए। तो हेडिंग दीजिए लॉसलेस लाइन, और हम लोग देखने वाले हैं लॉसलेस लाइन में और क्या क्या हो सकता है अगर हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन ले। तो सबसे पहले लॉसलेस लाइन का
सबसे पहले आप निकालो प्रोपागेशन कांस्टेंट। लॉसलेस लाइन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी रेसिस्टिव एलिमेंट नहीं होगा। तो प्रोपागेशन कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो गामा इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ जेड इंटू वाई। अब यहाँ पे कोई भी रेसिस्टिव एलिमेंट नहीं है, मतलब जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल था, वो जे ओमेगा एल हो जाएगा, और y तो ऑलरेडी आपका इमेजिनरी नंबर है, दैट इज जे ओमेगा सी। तो यहां से आपको जो मिलेगा दैट इज जे ओमेगा अंडर रूट एल सी, राइट। तो जे ओमेगा अंडर रूट एल सी, और गामा को हम क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस जे बीटा। यही तो होता था, अल्फा प्लस जे बीटा। ये अल्फा एटेन्यूएशन कांस्टेंट था, बीटा आपका फेज कांस्टेंट था। तो जे बीटा मतलब यहां पे आपको प्योरली इमेजिनरी नंबर मिल रहा है, प्योरली नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट इमेजिनरी लिखते हैं, ठीक है। मतलब एटेन्यूएशन कांस्टेंट आपका लॉसलेस लाइन में क्या होगा, जीरो, और सिर्फ आपको बीटा मिलेगा, राइट। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ जेड अपॉन वाई। जेड इज इक्वल टू जे ओमेगा एल डालिए, वाई इज इक्वल टू जे ओमेगा सी डालिए, ये आपको मिल जाएगा अंडर रूट एल बाई सी। दैट मीन्स प्योरली क्या है, ये रियल नंबर, इमेजिनरी इसमें कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेसिस्टिव नेटवर्क हुआ, रेसिस्टिव लोड बोल सकते हैं, प्योरली रेसिस्टिव लोड, नेटवर्क नहीं, प्योरली रेसिस्टिव लोड। तो ये रेसिस्टिव लोड हुआ, तो जब भी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस प्योरली रियल नंबर होगा, वो किस केस में होगा, जब लॉसलेस लाइन होगा, उस केस में आपका प्योरली रेसिस्टिव इसका नेचर आ रहा है। तो इस टाइप के नेचर को हम लोग बोलते हैं एक और नाम से, दैट इज सर्ज इंपेडेंस लोडिंग। लोडिंग नहीं बोलते, सर्ज इंपेडेंस बोलते हैं। मतलब कि सर्ज इम्पीडेंस हमेशा आपका रेसिस्टिव होगा, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस जो है वो आपका रेसिस्टिव भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, या फिर इमेजिनरी भी हो सकता है। तो जब भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस और सर्ज में, आप अक्सर स्टूडेंट क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जेड सी और जेड एस क्या है। तो सर्ज इम्पीडेंस क्या होता है, वो इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ही है इन केस ऑफ लॉसलेस लाइन। मतलब लॉसलेस लाइन जब हम कंसिडर करते हैं तो उस केस में जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस होता है वो सर्ज इम्पीडेंस के बराबर होता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर था जो लॉसलेस लाइन अगर आप कंसीडर करोगे। तो चौथा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, दैट इज दी आपका एबीसीडी पैरामीटर, जो हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए निकाले थे। यहां पे क्या था, कॉस हाइपरबोलिक गामा एल, यहां पे था जेड सी, साइन हाइपरबोलिक गामा एल, यहां पे था वन अपॉन जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एल, और यहाँ कॉस हाइपरबोलिक गामा एल, ये था। अब देखिए, गामा इज इक्वल टू, आप पुट कर दो जे बीटा इन केस ऑफ लॉसलेस। गामा इज इक्वल टू क्या होता है, जे बीटा हम लोग ऑलरेडी निकाले, जे ओमेगा एल सी, वेयर बीटा इज दी ओमेगा अंडर रूट एल सी। तो गामा को अगर आप जे बीटा अगर यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक जे बीटा। अब ये जो है मैथमेटिकली कॉस हाइपरबोलिक आई थीटा जो होता है, दैट इज कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे आपका ये डायरेक्टली मिल जाएगा कॉस बीटा। उसी तरह से साइन हाइपरबोलिक जे बीटा जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जे साइन बीटा, ठीक है। तो किसी भी हाइपरबोलिक फंक्शन को हम लोग नॉर्मल कोसाइन फंक्शन और साइन फंक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर लिए, अगर आपका ये प्योरली जो गामा है, बीटा एल है ना, यहाँ पे बीटा एल लिख लीजिए, साइन हाई साइन बीटा एल आएगा, क्योंकि बीटा गामा की वैल्यू जे बीटा है। तो आप देखो यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक जे बीटा एल, कॉस बीटा एल के बराबर साइन हाइपरबोलिक जे बीटा एल, जे साइन बीटा एल के बराबर। तो यहाँ पे आप इसको हाइपरबोलिक फंक्शन को आप सीधे क्या बना दिए, दैट इज कॉस बीटा एल, यहाँ जे साइन हाइपरबोलिक हट जाएगा, ये बीटा एल, यहाँ भी हाइपरबोलिक हट गया बीटा एल, यहाँ पे बाहर आपका जे आ जाएगा, और हाइपरबोलिक गामा एल को आप सीधे लिख सकते हो बीटा एल, वेयर गामा इज इक्वल टू जे बीटा। तो ये आपका कुछ चेंज आएगा एबीसीडी पैरामीटर इन केस ऑफ लॉसलेस लाइन, ठीक है। तो ये आप इंक्लूड कर सकते हो नोट में, किस तरह से आता है, तो ये मैथमेटिक्स है, आप गूगल कर सकते हो कॉस हाइपरबोलिक आई थीटा क्या होता है, तो आपको कॉस थीटा ही मिलेगा। साइन हाइपरबोलिक आई थीटा क्या मिलता है, जे साइन थीटा, ठीक है। तो उससे हम मैनिपुलेशन करके लॉसलेस लाइन में आपका एबीसीडी पैरामीटर ये होगा, और बीटा की जो वैल्यू होगी, अभी हम लोग देखें, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एल सी।
क्लियर। तो ये आपका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉसलेस लाइन में। अब हम जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने इन लॉसलेस लाइन, दैट इज कि जब आपका ट्रांसमिशन लाइन में हम लोड जो कनेक्ट करेंगे दैट इज इक्वल टू सर्ज इंपीडेंस लोडिंग के बराबर हो जाए तो फिर क्या होगा, समझ में आ रहा है? तो इसको मैं ओमिट करता हूं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जब ट्रांसमिशन लाइन को अगर हम लोड कर दिए सर्ज इंपीडेंस लोडिंग से तो फिर क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। हाँ जी, हेडिंग दीजिए सर्ज इंपीडेंस लोडिंग। सर्ज इंपीडेंस लोडिंग क्या होता है? जब हम लाइन को लोड करते हैं उसका वैल्यू जो हो वो प्योरली रेजिस्टिव हो और इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस या सर्ज इंपीडेंस हो, क्योंकि अगर हम रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट मीन्स वो सर्ज इंपीडेंस ही है, तो हम ZC इज इक्वल टू ZS कर सकते हैं, राइट? तो अगर हम ऐसा कर दिए और ये कंसिडर कर रहे हैं कि लाइन जो है वो लॉसलेस है, तो उस केस में हमारा वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज सेंडिंग रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड करेंट रिसीविंग एंड करेंट सेंडिंग एंड पावर रिसीविंग एंड पावर में क्या आ रहा है वो सारा चीज हम लोग देखते हैं। तो पहला हम देखेंगे सेंडिंग एंड वोल्टेज में। तो सेंडिंग एंड वोल्टेज VS इज इक्वल टू ए वी आर प्लस वी आई आर। ए की वैल्यू क्या थी यहां पे? कॉस बीटा एल वी आर प्लस जे साइन बीटा एल आई आर, यही होता है, राइट? ए की वैल्यू कॉस बीटा एल और बी की वैल्यू जे साइन बीटा एल आता था। किस केस में? इन केस ऑफ लॉसलेस लाइन। तो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग हम कब कर रहे हैं? इन केस ऑफ लॉसलेस लाइन। तो अगर ऐसा हो गया तो आप देखो यहां पे वी एस जो है एल की वैल्यू हम एल लिए है ना, एक्स इज इक्वल टू एल, इसलिए सेंडिंग एंड वोल्टेज है। तो आप यहां पे देखो अगर हम इसको सर्ज इंपीडेंस लोडिंग के बराबर कर देंगे तो दिस विल बी जे जेड सी आई थिंक, राइट? तो आई आर इज इक्वल टू, अगर हम यहां पे आई आर निकाले तो आई आर की वैल्यू क्या आएगी? दैट इज वी आर अपॉन जेड सी, राइट? तो यहां पे आप करो दैट इज कॉस बीटा एल इंटू वी आर प्लस जे जेड सी साइन बीटा एल और आई आर की वैल्यू डाल दो वी आर अपॉन जेड सी, तो जेड सी कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है? कॉस बीटा एल प्लस जे साइन बीटा एल इंटू वी आर। इसको हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर जे बीटा एल वी आर। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, एक्सपोनेंशियल यहाँ पे कुछ एंगल होगा एंड दिस इज द सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो देखो सेंडिंग एंड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रिसीविंग एंड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हुआ कि नहीं हुआ? ये कब पॉसिबल है? जब आपका लाइन इंपीडेंस या आप बोलो कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस इज इक्वल टू सर्ज इंपीडेंस लोडिंग हो जाए तो, मतलब नहीं, लाइन इंपीडेंस इज इक्वल टू सर्ज इंपीडेंस हो जाए तो, दैट मींस कि जब आप लोड कर दो उस ट्रांसमिशन लाइन को इक्वल टू सर्ज इंपीडेंस लोडिंग, तो उस केस में आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सेम होगा। एंगल डिफर कर सकता है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। तो ये एक एडवांटेज है अगर आप लोडिंग कर रहे हैं इक्वल टू सर्ज इंपीडेंस लोडिंग, तो आपका वी एस इज इक्वल टू वी आर, दैट इज सेंडिंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू रिसीविंग एंड वोल्टेज आ जाएगा। दूसरा, उसी हिसाब से अगर हम करंट की बात करें, सेंडिंग एंड करंट और रिसीविंग एंड करंट, क्योंकि हम ये आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन ले रहे हैं, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यहां पे बहुत सारा आपका कैपेसिटर भी तो प्रेजेंट है, राइट? तो सेंडिंग एंड करंट और रिसीविंग एंड करंट बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप लोडिंग अगर लाइन को कर रहे हो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग के बराबर से, तो देखो सेकेंड पॉइंट में करंट क्या होता है? आई एस इज इक्वल टू, हम लोग क्या निकाले थे? जे अपॉन जेड सी साइन बेटा एल वी आर प्लस कॉस बीटा एल आई आर। अब आई आर की वैल्यू वी आर अपॉन जेड सी लिखिए, तो ये आपका वी आर अपॉन जेड सी हो गया। तो देखिए यहां पे क्या आ रहा है, अगेन सेम कॉस बीटा एल प्लस जे साइन बीटा एल मल्टीप्लाइड बाय वी आर अपॉन जेड सी। अब वी आर अपॉन जेड सी इज नथिंग बट आई आर, तो इसको आई आर से हम रिप्लेस कर दिए हैं, दिस इज आई एस, और इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर j बीटा l, ये एंगल हो गया आई आर। मतलब कि मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो आई एस इज इक्वल टू आई आर हो गया, राइट? तो वी सेंडिंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू रिसीविंग एंड वोल्टेज हो गया, सेंडिंग एंड करंट इज इक्वल टू रिसीविंग एंड करंट हो गया। कब? जब लाइन आपका सर्ज इंपीडेंस लोडिंग से लोड हो तो,
जेडसी से अगर लोड हो गया ट्रांसमिशन लाइन तो फिर आई एस इज इक्वल टू आई आर आएगा, बी एस इज इक्वल टू वी आर आएगा। तीसरा हम पावर भी निकाल सकते हैं, दैट इज तीसरा पॉइंट, दैट इज पावर। तो पावर आपको पता है दैट इज इक्वल टू वी एस इंटू, कॉम्प्लेक्स पावर की बात करें तो आई एस कंजुगेट, और वी एस की वैल्यू हम ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, दैट इज ई टू द पावर जे बीटा एल, जे बीटा एल एल ही था एक्स इज इक्वल टू एल पे, और ये वी आर के बराबर था, और आई एस जो था ई टू द पावर जे बीटा एल, और ये आई आर के बराबर था, जिसको हम लोग वी आर अपॉन जेड सी भी लिख सकते हैं इन केस ऑफ दिस आई आर को वी आर अपॉन जेड सी। तो यहाँ देखो इसको अगर हम कंजुगेट करेंगे तो ई टू द माइनस जे बीटा एल, तो ये तो खत्म हो गया, वन हो गया, तो फाइनली आपको जो मिलेगा वी आर स्क्वायर अपॉन जेड सी। दैट मीन्स कि सेंडिंग एंड पावर आपका वी आर स्क्वायर अपॉन जेड सी हो गया, वी आर स्क्वायर अपॉन जेड सी मतलब कि रिसीविंग एंड पावर के बराबर आ गया, और वो भी आप देखो ये प्योरली रियल है। दैट मीन्स कि इस केस में आपका टोटल का टोटल जो पावर सप्लाई हो रहा है सेंडिंग एंड से, रियल पावर वो रिसीविंग एंड को मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू दिस मच। देखिए सेंडिंग एंड पावर हम निकालें, ये आपका सेंडिंग एंड पावर है, दैट इज इक्वल टू रिसीविंग एंड पावर, यही हुआ वी आर स्क्वायर अपॉन जेड सी। तो सेंडिंग एंड पावर एंड रिसीविंग एंड पावर दोनों इक्वल हो गया और रियल भी हो गया, दैट मीन्स कि टोटल का टोटल एक्टिव पावर, रियल पावर सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड को ट्रांसमिट हो रहा है ड्यूरिंग सर्ज इंपीडेंस लोडिंग, कोई भी पावर का लाइन में लॉस नहीं हो रहा है। ऐसे भी ये लॉसलेस लाइन है तो रियल पावर आपका जो ट्रांसमिट होगा सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टिव पावर होगा या नहीं होगा, आप खुद सोचो, रिएक्टिव पावर होगा क्योंकि ऑब्वियसली ट्रांसमिशन लाइन में L और C दोनों है, तो L L क्या करेगा रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करेगा और C रिएक्टिव पावर को डिलीवर करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसमिशन लाइन में जो भी इंडक्टर रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब कर रहा है वो कौन डिलीवर करेगा, वो डिलीवर कर रहा है कैपेसिटर। समझ में आया, मतलब सेंडिंग एंड से रिएक्टिव पावर नहीं आ रहा है, रिसीविंग एंड पे रिएक्टिव पावर नहीं आ रहा है, लेकिन जो ट्रांसमिशन लाइन में रिएक्टिव पावर है वो प्रेजेंस है, जो भी आपका इंडक्टर रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगा वो कैपेसिटर उसको दे रहा है, ना कि सेंडिंग एंड से जनरेशन साइड से कोई दे रहा है। ठीक है, तो ये सब आपका एक एडवांटेज हो जाता है सर्ज इंपीडेंस लोडिंग में। क्या होता है कि आपका जो रियल पावर सिर्फ फ्लो करता है, रिएक्टिव पावर फ्लो नहीं करता है। रिएक्टिव पावर जो है एल और सी में वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहा है, वो फ्लो नहीं कर रहा है ट्रांसमिशन लाइन में, तो सिर्फ और सिर्फ रियल पावर फ्लो करता है ट्रांसमिशन लाइन में। तो ये दो तीन एडवांटेज था सर्ज इंपीडेंस लोडिंग का, वो हम आपसे डिस्कस किए। तो अगर हम वोल्टेज प्रोफाइल अगर आपको बताएं, तो जब जेड एल इज इक्वल टू जेड सी होगा तो ऑब्वियसली आपका वोल्टेज प्रोफाइल क्या होगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज दोनों बराबर होगा, यहाँ वी एस है और यहाँ वी आर है। फिर ओवर वोल्टेज में आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, अंडर वोल्टेज में आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज कम हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट के केस में रिसीविंग एंड वोल्टेज जीरो हो जाएगा। तो इस टाइप का कुछ आएगा ये, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते थे ना, वोल्टेज प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो से एक्स इज इक्वल टू एल तक, चलो मैं इसको डिटेल में बता ही देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब जैसे हमको वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज का बनाना हो, तो मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू जीरो है और यहाँ एक्स इज इक्वल टू एल है, तो एक्स इज इक्वल टू एल पे आपका मान लीजिए सेंडिंग एंड वोल्टेज वी एस है। ठीक है, तो अब देखो जैसे ही आपका एक्स इज इक्वल टू जीरो यहाँ है, दैट मीन्स कि ये आपका रिसीविंग एंड साइड हुआ, यहाँ पे रिसीविंग एंड साइड हुआ। अगर आपका वोल्टेज प्रोफाइल कुछ ऐसा है, सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज, यहाँ पे रिसीविंग है ना, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे रिसीविंग है, वी आर इज इक्वल टू वी एस हो रहा है, दैट मीन्स ये आपका कौन सा केस है, सर्ज इंपीडेंस लोडिंग का है, जब आपका जेड एल इज इक्वल टू जेड सी हो जाए। तो अगर आपका ऐसा केस हो जाए, ऐसा केस का मतलब क्या है कि रिसीविंग एंड वोल्टेज इज ग्रेटर देन सप्लाई वोल्टेज, ये आपका जो केस है दैट इज ओवर वोल्टेज का केस है, इस पर हम न्यूमेरिकल लेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद अगर ऐसा हो जाए तो यहाँ पे रिसीविंग एंड वोल्टेज इज लेस देन सेंडिंग एंड वोल्टेज, दैट मीन्स अंडर वोल्टेज। और चौथा केस जो है दैट इज दिस वन, तो इस केस में आपका वी आर इज इक्वल टू जीरो है, दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट केस है।
ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में हम इसको समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ये पूरा वोल्टेज प्रोफाइल क्या है। ये वोल्टेज प्रोफाइल आपको बस यही बता रहा है कि अगर सेंडिंग एंड वोल्टेज रिसीविंग एंड वोल्टेज के बराबर हो, बीच में देखो ट्रांसमिशन लाइन के बीच में आपका वोल्टेज ज़्यादा है दोनों से, लेकिन रिसीविंग साइड पर वोल्टेज सेंडिंग एंड के बराबर ही हो जाए, मतलब कि लाइन जो लोडेड है दैट इज इक्वल टू सर्ज इंपिडेंस लोडिंग पे, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जब हम लोड ZL ग्रेटर देन ZC होगा तब क्या होगा, ZL लेस देन ZC होगा तब क्या होगा, ZL इज इक्वल टू ZC का तो हम दिखा दिए। तो ये सारा चीज हम लोग एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में लेंगे और उसको फिर डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इतना ही था, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कुछ खास नहीं था, बस आपको वो पता होना चाहिए ABCD मॉडल आपको पता होना चाहिए नॉर्मल का, उसके बाद लॉसलेस का आपको ABCD मॉडल पता होना चाहिए, और लॉसलेस का कुछ क्राइटेरिया आपको दिखाया था, दैट इज गामा कैसे निकालते हैं, फिर आपका एटेन्यूएशन कांस्टेंट जो अल्फा जे बीटा ये जो निकलता था गामा से वो हम कैसे निकालते हैं, फिर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इंपिडेंस जो था वो सर्ज इंपिडेंस के बराबर हो रहा था इनकेस ऑफ लॉसलेस, और उसी के बराबर अगर हम लोडिंग कर दें दैट इज नोन एज सर्ज इंपिडेंस लोडिंग। तो सर्ज इंपिडेंस लोडिंग करने से हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड करंट इज इक्वल टू रिसीविंग एंड वोल्टेज रिसीविंग एंड करंट, पावर भी हमारा रियल पावर फ्लो कर रहा था, रिएक्टिव पावर फ्लो नहीं कर रहा था, इंडक्टर जो रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब कर रहा है वो कैपेसिटर डिलीवर कर रहा था, मतलब कि कोई भी आपका सेंडिंग साइड से रिएक्टिव पावर फ्लो नहीं कर रहा था। तो ये कुछ पॉइंट थी जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा था नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक हम लोग शॉर्ट मीडियम लॉन्ग तीनों का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे शॉर्ट मीडियम लॉन्ग का, जितना न्यूमेरिकल आ सकता है वो सारा चीज़ देखेंगे, और न्यूमेरिकल में कुछ नया कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इस हिसाब से आपका ट्रांसमिशन लाइन न्यूमेरिकल के बाद खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल पर फोकस करेंगे। थैंक यू।